हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नोटबंदी में इस औरत के साथ जो हुआ, खुदा करे वो किसी के साथ ना हो। भारत के भीतर ऐसा दौर आया कि इसे भुलाया नहीं जा सकता। भाजपा राज में देश में ऐसे ऐसे काम हुए कि लोग इसे जहन से निकाल नहीं सकते हैं। फिर वो चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी हो या फिर गाय को लेकर हुए मुद्दे हो। ऐसे ही हम आपको नोटबंदी के समय से एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो थोड़ी दुख भरी है। भारत के किसी गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग महिला को नोटबंदी का पता ही नहीं चला और उनके पास जो पुराने 1000 और 500 के नोट थे, वह अब महज 4 लाख रुपया के कागज बचे हुए हैं। इस महिला के पास अपना जीवन गुजारने को बस यही पूंजी थी। उसने जहां तक हो सकता था हर जगह प्रयास किया कि उसके नोट बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बीमार थी, पैसे वही थे, तो इलाज न करा पाई और उसकी मौत हो गई। केरल में एक ज़िला है अरनाकुलम। इस ज़िले के एक गांव में एक औरत रहती थी, नाम था सतीबाई। केरल के पशु चिकित्सा विभाग में नौकरी करती थी। 20 साल पहले रिटायर हो चुकी थी। अब वो 76 साल की बुजुर्ग महिला थी। पेंशन आती थी और बैंक से जाकर ज़रूरत के पैसे निकाल लाती थी। इस महिला की एक लड़की थी जो उसे जान से भी प्यारी थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका अपने नाम पर बस यही एक लड़की थी। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक जब सतीबाई अपनी नौकरी से रिटायर हुई थी तो उन्हें 10 लाख रुपये मिले थे, जिसमें से उनके पास 4 लाख रुपये बचे थे और वो घर में ही रखे थे। वो घर में अकेली रहती थी। गांव में रहने वाले लोगों के साथ उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि सतीबाई को लगता था कि उन लोगों को उनका पैसा हड़पना चाहते हैं। वो घर से बाहर कम ही निकलती थी। इसके पीछे एक वजह उनका तनाव भी था, क्योंकि पति और बेटी की मौत के बाद वो दो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर देश में नोटबंदी का समय आया और लोग एटीएम की कतार में या फिर बैंक में लगे हुए थे। कहा जा रहा था कि काला धन वापस आएगा, पर ऐसा कुछ न हुआ, बल्कि समस्या ही झेलनी पड़ी आम लोगों को। लेकिन सतीबाई इस सब से बिल्कुल अनजान थी। वो पहले जैसे ज़िंदगी बेखबर जी रही थी। जब वो जनवरी में घर से निकली और कुछ सामान खरीदने के लिए गई तो दुकानदार ने पुराना 500 का नोट लेने से मना कर दिया। वो दूसरी दुकानों पर गई तो वहाँ भी लोगों ने मना कर दिया। अब उसकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि उसके पास पूरे 4 लाख ऐसे रखे हुए थे। वो बैंक गई पर वहाँ भी बदलने से लोगों ने मना कर दिया। उसको बताया गया कि अब बदलने की तारीख निकल गई है। उसने बहुत गुस्सा किया, मिन्नत की, लेकिन सब बेकार। गांव की पंचायत वार्ड सदस्य पोली टीपी ने द न्यूज़ मिनट को बताया कि हमने उनके पैसे बदलवाने के लिए एक एक्शन कमेटी बनाई थी। सभी दस्तावेज जुटाए और उन्हें लेकर चेन्नई भेजा ताकि नए नोट बदले जा सके। वहां पहुंचने पर भी मना कर दिया गया। कहा गया कि समय सीमा खत्म हो चुकी है, इसके लिए मंत्रालय से अनुमति की ज़रूरत है। मंत्रालय से संपर्क किया गया पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पॉली टीपी ने बताया कि वो हार्ट और किडनी की मरीज थी। कुछ हफ्ते पहले हम उन्हें केयर होम लेकर गए थे। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। हम उनके साथ ही थे जब उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उनका अरनाकुलम जनरल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन बीमारी की वजह से 17 अगस्त की रात को उनकी मौत हो गई। अगर नोट बदल गए होते तो शायद उनको और बेहतर इलाज मिल सकता था।
बल्कि पुलिस ने छापेमारी करके उस औरत के पुराने नोट सीज कर दिए थे। ये छापेमारी पंचायत सदस्यों के सामने की गई थी। नोट प्लास्टिक में बंधे हुए अलमारी में रखे मिले थे। बुजुर्ग औरत की ये कहानी नोटबंदी के नाम बनकर रह गई। पता नहीं इस कहानी को कोई किसी को सुनाएगा या नहीं, या उसी की तरह रह जाएगी जैसे ये बुजुर्ग औरत नोटबंदी के फैसले से अनजान रह गई, वो भी उस जमाने में जब न्यू इंडिया की बात हो रही है। सुनाते रहिए अब लोगों को इस बुजुर्ग महिला की कहानी, करते रहिए शेयर, जोड़ते रहिए काले धन के आंकड़े की कितना बाहर आ गया। अब ये बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रही। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।